टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के। अगर आप डेली व्यूअर हैं तो जानते ही होंगे सीरियल में होने क्या वाला है। हम आपको बता ही चुके हैं कि किस तरह से ईशान जोरदार थप्पड़ सभी के गाल पर जड़ देने वाला है। भाई ईशान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगा और सभी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देगा, वो भी तब जब सभी उससे अपने प्यार का इजहार कर रही होगी, वो भी तब जब सभी उससे अपने दिल की बात कह रही होगी। वेल, यहाँ से अब आप देखेंगे ढेर सारा ड्रामा जहाँ पर ईशान को सभी पर हाथ उठाने का काफी दुख होगा। भाई ईशान ने हाथ इसलिए उठाया है ताकि सभी उसे लेकर मन में जितनी भी फीलिंग्स हैं उनका गला घोट दे। तो अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे ईशान का दिल काफी ज्यादा टूट गया होगा और ईशान को अपना दिल हल्का करना है तो ईशान जाएगा प्रतीक के पास। भाई प्रतीक के पास जाकर ईशान अपने उसी हाथ को चोट पहुंचाएगा जिस हाथ को उसने सभी पर उठाया है। ईशान उसी हाथ को नुकसान पहुंचाएगा जिससे उसने सभी को तकलीफ दी है। इसके साथ ही ईशान प्रतीक को बताएगा कि प्यार तो वो भी करने लगा है सभी से, प्यार तो उसके दिल में भी आ चुका है सभी के लिए, लेकिन वो चाह कर भी इस प्यार का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक तो वो सभी का गुनहगार है, दूसरा उसने रीवा को बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। रीवा आज भी उसका इंतजार ही कर रही है। शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे ढेर सारा ड्रामा जहां पर ईशान रोकर प्रतीक के सामने अपने मन के सारे जज्बात रख देगा। ईशान प्रतीक को बताएगा कि उसका दिल किस कदर टूट चुका है और कैसे वो अब अपने दिल पर सभी के परिवार की मौत का बोझ नहीं रख सकता। सीरियल की कहानी में यहाँ से कौन सा नया ट्विस्ट आता है आगे आने वाले एपिसोड में देखना होगा।